हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ऐसा रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही कुरकुरा बनता है। इसे आप एज ए इवनिंग स्नैक बना सकते हैं घर में। आज का रेसिपी हम बनाएंगे अंडों से। तो चलिए हम पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ इंग्रेडिएंट्स में लिया है 3 अंडा, इसका आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। फिर हम लेंगे 4 बड़े चम्मच दही। फिर मैंने पोहा को पैन में ड्राई फ्राई कर लिया था, फिर उसे ड्राई ही मैंने ग्राइंड कर लिया है, तब ये ऐसा दिखेगा आपका। फिर हम लेंगे कोरिएंडर लीव्स। फिर हम लेंगे बेसन, हो सके तो इसे थोड़ा रोस्ट कर ले आप। फिर हम लेंगे हल्दी, नमक, इसे आप स्वाद अनुसार ले। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर ये है पीनट बटर पाउडर, इसे आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से खरीद सकते हैं या आप घर में ही बादाम को थोड़ा बटर के साथ रोस्ट करके ग्राइंड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ लिया है रिफाइन ऑयल। अब मैं यहाँ पर एक बॉल लूँगी। इस बॉल में मैं तीनों अंडों को ऐसे निकाल लूँगी। देखिए, यहाँ मैंने निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी कुछ इंग्रेडिएंट्स। पहले मैं डालूंगी कोरिएंडर लीव्स, फिर हम डालेंगे ये पीनट बटर पाउडर, फिर हम डालेंगे हल्दी, नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डालें और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला दें। इसे अच्छे से फेंट ले। देखिए, ये परफेक्टली मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर इस कंटेनर में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाकर जो हमने अंडा का मिक्सचर बनाया है उसे यहाँ डाल देंगे। फिर हम इसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव मोड में 100 डिग्री सेल्सियस में पका लेंगे। अब इसके जगह और एक भी काम कर सकते हैं, जैसे इस जो मिक्सचर है अंडा का, इसे आप एक टिफिन में डाल लें, फिर एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर उसे व्हिसल लगा लें 2-3। यहाँ मेरा 5 मिनट के बाद ये रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के बाद। यहाँ मैंने निकाल लिया है। फिर मैं एक नाइफ से इसे क्यूब शेप में या किसी और शेप में भी आप काट सकते हैं, ऐसे काट लूँगी मैं। इसे ध्यान से काटें। यहाँ पर ये जो ऑमलेट जैसा बना है, इसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड बना है, इससे आपका फ्राई करने में आसानी होगा। हम काट लेंगे ऐसे, और यहाँ पर जो आपका शेप्स बनेगा ये बिल्कुल ऐसा बनेगा आपका। तो इसे हम साइड में रख देंगे प्लेट में, और यहाँ मैंने सारा टुकड़ों को ऐसे काट के निकाल लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पर मैं एक बॉल लूँगी और इस बॉल में मैं ये जो रोस्टेड बेसन था इसे डाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर हल्दी, फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर हम डालेंगे नमक। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि हमने पहले भी अंडों में डाला था नमक। फिर मैं यहाँ डालूंगी दही। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर और थोड़ा दही लगेगा आपका, और थोड़ा यहाँ पर डाल दें। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसका हम बहुत ही ठीक, ज़्यादा ठीक भी नहीं, एक थोड़ा सा सेमी ठीक कंसिस्टेंसी का एक पैटर्न बनाएंगे हम, बिल्कुल इसी टेक्सचर का। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने ये जो रोस्टेड आपका पोहा था वो लिया है, फिर ये बेसन और ये आपका ऑमलेट का क्यूब शेप्स मैंने यहाँ ले लिया है एक प्लेट में। अब मैं क्या करूँगी, ये जो ये टुकड़ा है ऑमलेट का, इसे मैं डीप करूँगी ये बैटर में। फिर मैं इसे यहाँ रोस्टेड पोहा में ऐसे कोट कर दूँगी और इसे मैं प्लेट में रख दूँगी।
इसी प्रोसेस से हम सारा जो ऑमलेट का क्यूब्स था उसे ऐसे बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे बैटर और पोहा का पाउडर के हेल्प से, बिल्कुल इसी तरह हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने सारा जो पीसेस था इसे मैंने कोट कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में जहाँ पर मैं ये सब क्यूब्स फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा अब ज़्यादा डालें। फिर हम इस ऑयल को काफ़ी अच्छे से गर्म होने देंगे। इसे हम गर्म इसलिए होने देंगे ताकि आपका जो क्यूब्स है वो नीचे चिपके ना। यहाँ ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ये क्यूब जो हमने बनाए थे उसको यहाँ डाल देंगे। इसे ध्यान से डालें नहीं तो तेल आपका छिटक सकता है। सारा क्यूब्स हम परफेक्टली ऐसे डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ मैंने सारा डाल दिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए एक साइड में पकने देंगे, फिर हम इसे पलटा देंगे। फ्लेम आप मीडियम ही रखें। एक साइड से पलटाने के बाद हम फ्लेम लो मीडियम कर देंगे। यहाँ मैंने सारा पीसेस पलटा दिया है और हम पलटाने के बाद इसे फिर से 3 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे से। यहाँ पर आपका 3 मिनट जैसा हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, देखिए जैसे कि ये आपका ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो ही चुका है। अब हम ये पीसेस को निकाल देंगे पैन से। निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेट लूँगी और प्लेट में उसे निकाल दूँगी। इसी तरह से हम सारा निकाल लेंगे और जो हम लोग का बाकी क्यूब्स बचा हुआ था उसे भी हम यहाँ फ्राई करने के लिए डाल देंगे और बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम जो पकौड़ास था उसे मैंने निकाल लिया है। अब हम चलते हैं सर्विंग प्रोसेस में। यहाँ पर मैं सॉस लूँगी और इसे एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर दूँगी। देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। अंदर से बहुत सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।